लखनऊ में जुटे सभी युवा साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी को, देश के युवाओं को राष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का ये दिन हर भारतीय युवा के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का दिन है, नए संकल्प लेने का दिन है। आज के ही दिन स्वामी विवेकानंद के रूप में भारत को एक ऐसी ऊर्जा मिली थी जो आज भी हमारे देश को ऊर्जावान किए हुए है, एक ऐसी ऊर्जा जो निरंतर हमें प्रेरणा दे रही है, हमें आगे का मार्ग दिखा रही है। साथियों, स्वामी विवेकानंद भारत के युवा को अपने गौरवशाली अतीत और वैभवशाली भविष्य की एक मजबूत कड़ी के रूप में देखते थे। विवेकानंद जी कहते थे कि सब शक्ति तुम्हारे भीतर है, उस शक्ति को प्रकट करो, इस पर विश्वास करो कि तुम सब कुछ कर सकते हो। खुद पर यह विश्वास असंभव सी लगने वाली बातों को संभव बनाने का ये संदेश आज भी देश के युवाओं के लिए उतना ही प्रासंगिक है, रिलेवेंट है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि भारत का आज का नौजवान इस बात को भलीभांति समझ रहा है, खुद पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ रहा है। आज इनोवेशन, इंक्यूबेशन और स्टार्टअप की नई धारा का नेतृत्व भारत में कौन कर रहा है? आप ही तो लोग कर रहे हैं, हमारे देश के युवा कर रहे हैं। आज अगर भारत दुनिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम में टॉप 3 देशों में आ गया है तो इसके पीछे किसका परिश्रम है? आप लोगों का, आप जैसे देश के युवाओं का। आज भारत दुनिया में यूनिकॉर्न्स पैदा करने वाला, $1 बिलियन से ज्यादा की नई कंपनी बनाने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश बना है, तो इसके पीछे किसकी ताकत है? आप लोगों की, आप जैसे मेरे देश के नौजवानों की। साथियों, 2014 से पहले हमारे देश में एवरेज 4000 पेटेंट होते थे, अब इसकी संख्या बढ़कर सालाना 15000 पेटेंट से ज्यादा हो गई है, यानी करीब करीब 4 गुना। ये किसकी मेहनत से हो रहा है? कौन है इसके पीछे? साथियों, मैं फिर दोहराता हूं, आप ही हो, आपके जैसे नौजवान साथी हैं, आप युवाओं की ताकत है। साथियों, 26000 नए स्टार्टअप का खुलना दुनिया के किसी भी देश का सपना हो सकता है, ये सपना आज भारत में सच हुआ है तो इसके पीछे भारत के नौजवानों की ही शक्ति है, उन्हीं के सपने हैं। और इससे भी बड़ी बात, भारत के नौजवानों ने अपने सपनों को देश की जरूरतों से जोड़ा है, देश की आशाओं आकांक्षाओं से जोड़ा है। देश के निर्माण का काम मेरा है, मेरे लिए हैं और मुझे ही करना है, इस भावना से
भारत का नौजवान आज भरा हुआ है। साथियों, आज देश का युवा नए नए ऐप्स बना रहा है ताकि खुद की भी जिंदगी आसान हो जाए और देशवासियों की भी मदद हो जाए। आज देश का युवा हैकेथॉन के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश की हजारों प्रॉब्लम्स में सर खपा रहा है, सॉल्यूशन खोज रहा है और सॉल्यूशन दे रहा है। आज देश का युवा बदलते हुए नेचर ऑफ जॉब्स के मुताबिक नए नए वेंचर्स शुरू कर रहा है, खुद काम कर रहा है, रिस्क ले रहा है, साहस कर रहा है और दूसरों को भी काम दे रहा है। आज देश का युवा ये नहीं देख रहा कि ये योजना शुरू किसने की है, वो तो खुद नेतृत्व करने के लिए आगे आ रहा है। मैं स्वच्छ भारत अभियान की ही बात करूं तो इसका नेतृत्व हमारे युवा ही तो कर रहे हैं। आज देश का युवा अपने आसपास, घर, मोहल्ले, शहर, समुद्र तट से गंदगी को, प्लास्टिक को हटाने के काम में युवा आगे दिखता है। साथियों, आज देश के युवाओं के सामर्थ्य से नए भारत का निर्माण हो रहा है। एक ऐसा नया भारत जिसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी हो और ईज ऑफ लिविंग भी हो। एक ऐसा नया भारत जिसमें लाल बत्ती कल्चर नहीं, जिसमें हर इंसान बराबर है, हर इंसान महत्वपूर्ण है। एक ऐसा नया भारत जिसमें अवसर भी हैं और उड़ने के लिए पूरा आसमान भी है। साथियों, आज 21वीं सदी का ये कालखंड, 21वीं सदी का ये दशक भारत के लिए बहुत सौभाग्य लेकर आया है। हम भाग्यशाली हैं कि भारत की अधिकतर आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। हम इस अवसर का पूरा लाभ उठा सके इसके लिए बीते वर्षों में भारत में अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, अनेक नीतियां बनाई गई हैं। युवा शक्ति को सही मायने में राष्ट्र शक्ति बनाने का एक व्यापक प्रयास आज देश में देखने को मिल रहा है। स्किल डेवलपमेंट से लेकर मुद्रा लोन तक हर तरह से युवाओं की मदद की जा रही है। स्टार्टअप इंडिया हो, स्टैंड अप इंडिया हो, फिट इंडिया अभियान हो या खेलो इंडिया, ये युवाओं पर ही केंद्रित है। साथियों, डिसीजन मेकिंग में, नेतृत्व में युवाओं की सक्रिय भागीदारी पर भी हमारा जोर है। आपने सुना होगा, अभी हाल ही में DRDO में डिफेंस रिसर्च से जुड़ी 5 यंग साइंटिस्ट लैब्स, उसका लोकार्पण करने का मुझे अवसर मिला। इन लैब्स में रिसर्च से लेकर मैनेजमेंट तक का पूरा नेतृत्व 35 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों को दिया गया है। आपने ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि कोई सरकार इतनी महत्वपूर्ण लैब्स की जिम्मेवारी 35 साल से कम युवाओं के हाथ में सुपुर्द कर दे। लेकिन यही हमारी सोच है, यही हमारा अप्रोच है। हम हर स्तर पर, हर सेक्टर में इस तरह प्रयोग के दोहराने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। साथियों, युवा में एक अद्भुत क्षमता होती है समस्याओं के नए सिरे से समाधान की। यही युवा सोच हमें ऐसे निर्णय लेना भी सिखाती है जिनके बारे में कभी सोचना भी असंभव होता है। युवा सोच हमें कहती है कि समस्याओं से टकराओ, उन्हें सुलझाओ। देश भी इसी सोच पर चल रहा है। आज जम्मू कश्मीर में
आर्टिकल 370 हटाया जा चुका है। राम जन्मभूमि का सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा विवाद समाप्त हो चुका है। तीन तलाक के खिलाफ कानून बन चुका है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आज एक सच्चाई है। वैसे देश में एक सोच ये भी थी कि आतंकी हमला होने पर चुप बैठ जाओ। अब आप सर्जिकल स्ट्राइक भी देखते हैं, एयर स्ट्राइक भी। साथियों, हमारी सरकार युवाओं के साथ है, युवा हौसलों, युवा सपनों के साथ है। आपकी सफलता सशक्त, सक्षम और समृद्ध भारत के संकल्प को भी सिद्ध करेगी। और हां, आज के इस अवसर पर एक आग्रह भी मैं आपसे करना चाहता हूं। और मैं आपसे इसलिए करता हूं क्योंकि मेरा आप पर भरोसा है। मैं आपसे के नेतृत्व में देश को इसमें सफल करने के लिए आपसे विशेष आग्रह करता हूं। और विवेकानंद जयंती पर तो ये संकल्प अपना दायित्व बन जाता है। आप सब जानते हैं, वर्ष 2022 तक, जो कि हमारी आजादी के 75 साल है, देश के आजादी के दीवानों ने समृद्ध भारत के सपने संजोए थे और अपनी जवानी देश के लिए आहुत कर दी थी। उन महापुरुषों के सपनों को पूरा करने के लिए अनेक प्रकार के काम हमने करने हैं। उसमें से एक काम के लिए मैं आज आपसे आग्रह करता हूं, युवकों से आग्रह करता हूं, आपके माध्यम से पूरे देश में आंदोलन चले, इस अपेक्षा से आग्रह करता हूं। क्या हम 2022 तक, बाकी आगे क्या करना देखेंगे, 2022 तक जितना संभव हो सके लोकल प्रोडक्ट्स ही खरीदें, ऐसा करके आप जाने अनजाने अपने किसी युवा साथी की ही मदद करेंगे, आप अपने लक्ष्यों में सफल हो, अपने जीवन में सफल हो, इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। एक बार फिर राष्ट्रीय युवा दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और भारत माता के महान सपूत स्वामी विवेकानंद जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।